नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। आगामी 1 जनवरी नव वर्ष पर मां कलेही एवं प्राचीन सिद्ध स्थल हनुमान भाटा में आयोजित होने वाले एक दिवसीय मेले को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कुशल सिंह गौतम की अध्यक्षता में शुक्रवार को मां कलेही देवी मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1 जनवरी नव वर्ष पर आयोजित होने वाले मेले के सफल आयोजन में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था को अवगत कराया गया। इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी नीतेश पटेल, एसडीओपी सौरभ रत्नाकर, तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ एमएल चौधरी, परियोजना अधिकारी डीसी अहिरवार, कान्हू राजा, मंदिर पुजारी हरिकेश बड़ोलिया, नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार मौजूद रहे। पवई से राम सिंह की रिपोर्ट। करीब काफ़ी लोग, करीब 1.5 लाख लोग के करीब आए थे पिछली बार, इस बार भी वो संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारियां जो है के संबंध में जो है आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सभी शासकीय विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी उनको हमने बुलवाया है और यहाँ के गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण और मंदिर के पुजारी वगैरह और भी वॉलेंटियर हैं, उनसे भी सभी से चर्चा करके और उनका अभिमत मालूम किया, सुझाव लिए गए हैं सबके। तो ये मेला जो है अच्छी तरह से संपादित हो नए वर्ष का, और उसके लिए ये सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो वो व्यवस्थाएं जो होना है उसके संबंध में आज रूपरेखा तैयार की कर ली गई है और सभी विभाग के अधिकारी थे उनसे उनको जो है वो व्यवस्थाएँ सौंप दी गई हैं और उनको उससे अवगत करा दिया गया है। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम बीच बीच में एक दो मीटिंग रखेंगे और शनिवार को 24 तारीख को भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं जो हनुमान भाटे पर ही होगी और एक दो बार और भी मीटिंगें होंगी। और इस बार मेला जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से संपादित हो, कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए और सभी नया वर्ष जो है सभी के लिए मंगलकारी हो, उसके लिए सब व्यवस्थाएँ आज सुनिश्चित कर ली गई।